नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। हल्द्वानी की रितंबरा वर्मा और उनकी टीम संकल्प सिद्ध कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रही है। उन परिवारों तक खाना पहुंचा रही है जो कि जरूरतमंद है या फिर कोरोना संक्रमित हैं और परिवार के लोग क्वारंटीन होने की वजह से खाना बनाने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए रितंबरा और उनकी टीम संकल्प सिद्धि दिन में 2 बार खाना उपलब्ध करा रही है। हल्द्वानी के डहरिया इलाके की रहने वाली रितंबरा वर्मा कोरोना संकट में मिसाल बनकर उभरी है। तो आपको बता दें कि रितंबरा वर्मा और उनकी टीम कोरोना संकट में ऐसे लोगों की मदद कर रही है जिन तक खाना पहुंच नहीं पा रहा है और जो कि जरूरतमंद लोग हैं या फिर कोरोना से संक्रमित हैं। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमित लोगों तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आज के दौर में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लोग इन चीजों से बचते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की दिक्कतों को देखते हुए रितंबरा वर्मा खुद समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। और इस वक्त टीम संकल्प सिद्ध की उपाध्यक्ष रितंबरा वर्मा जी खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, पहले तो मैं अपने संकल्प सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से आप लोग को शुक्रिया करती हूँ। वैसे मैं बता दूं कि हमारी जो अध्यक्ष है सुचित्रा जी जयसवाल जी, हम लोगों ने मिलकर एक ही फाउंडेशन बना रखा है और जो समय समय पर समाज में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ ना कुछ आगे करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भी कोविड की वजह से जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों के लिए भी खाने की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, तब भी हमारी टीम ने उन लोगों के लिए खाना मुहैया कराया। पर इस वक्त जो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है और आप देख रहे हैं कि घर घर में जो लोग हैं, एक साथ सभी परिवार के सदस्य जो हैं वो क्वारंटाइन कोविड हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया है। समस्या ये थी कि सबके सभी मेंबर जो कि कोविड होने की वजह से खाना नहीं बना पा रहे हैं, और आपको पता है कि जब एक पेशेंट घर में से सभी लोगों के कोविड हो जाते हैं तो ना तो कोई बाहर से उन्हें खाना देने को आता है ना ही रिश्तेदार। तो इस चीज को मध्य रखते हुए हमारी टीम ने एक ये कार्य शुरुआत की जिसमें से अभी हम लोग 10 से 15 परिवारों को डेली सुबह और दोपहर का और रात का खाना उन तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्य में हमारी टीम के कुछ वॉलेंटियर हैं जिसमें से 3 या 4 लोग हैं जो कोविड की गाइडलाइन को पूरे मध्य रखते हुए उनके पालन करते हुए उन लोगों को दोपहर का और रात का खाना पहुंचाते हैं। हमारे पास फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कॉल आता है और हमारी टीम के सभी लोग उन लोगों से उनकी कोविड रिपोर्ट मांगते हैं और एड्रेस और लोकेशंस के माध्यम से एक सात्विक भोजन जो कि हमारी गाइडलाइंस के अंतर्गत हमारी किचन है उसमें बनाया जा रहा है। और खाना तैयार होने के बाद एक प्रॉपर अच्छे से हाइजीनिक तरीके से उसको पैक किया जाता है जिसमें से हम खाने की क्वालिटी का भी ध्यान में रखते हैं। और कोविड के पेशेंट हैं इस वक्त जो जैसे डॉक्टर कहते हैं जिसमें से विटामिन सी है, उस तरह का कोई फ्रूट है वो भी हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं। और हमारी टीम इस वक्त बहुत ही सच्चे दिल से, जिसमें हमारे 15 या 17 जो भागीदार हैं सभी लोग मिलकर एक इस काम को मुकाम तक हासिल पहुंचा रहे हैं। रितंबरा जी, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर चल रहा है और ऐसे में जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी पहचान उजागर करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसी वजह से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म भी दे रहा है ताकि ऐसे लोग
आगे आएं और उनकी पहचान दिखाकर हम आगे जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग हैं, उनके लिए भी प्रेरणा का काम करें। रितम्रा जी, लेकिन आपके फाउंडेशन की कब ये स्थापना हुई और अभी तक कितने लोगों तक आप लोग मदद पहुंचा चुके हैं? जी, हमारी ये जो फाउंडेशन है, हमने लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट की थी और पिछले करते करते हम लोगों ने, इस वक्त हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी नेट्स पर हैं, साइट्स पर हैं, और आज के टाइम में हम लोग अभी तक 15 से 20 परिवार हैं लगातार। आपको मैं बताना चाहूंगी, अभी हमारे पास हाल ही में कल एक यूएसए से एक पुत्र का फोन आया। उनके जो माता पिता हैं वो 70 और 65 उम्र के हैं, जो कि यहाँ कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में रहते हैं, पर उनका हमारे पास फोन आया कि आपके, हमें फेसबुक के माध्यम से पता लगा है, पर मेरे पिताजी जो हैं वो बुजुर्ग हैं और इस वक्त सेल्फ क्वारंटाइन हैं, तो क्या आप उन्हें खाना पहुंचा सकते हैं? मैंने कहा जी सर बिल्कुल, आप हमारे पास लोकेशन और उनका एड्रेस सेंड कर दीजिए। फिर मैंने उनसे पर्सनली उनके पिताजी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हम कोविड से संक्रमित हैं और फिलहाल घर पर हैं, ना ही मेड का कोई साधन है और ना ही हमारे साथ बाहर से किसी तरह का भी खाने का नहीं है। तो अभी हमारी टीम उन्हें सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना मुहैया करा रही है। एज पर हम एज ए पेशेंट भी हम लोगों से रिक्वायर्ड, उनसे हम पूछ लेते हैं कि जिस तरह का अगर वो खाना चाहते हैं, तो जिसमें से वो दलिया है, खिचड़ी है, अगर जो उनकी डिमांड होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो चीज भी पूरा करें। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग लोगों के चॉइस के हिसाब से भी खाना डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन देखिए तभी हम लोगों की मदद कर सकते हैं जब हम खुद में सक्षम होते हैं, तो वही लोग मदद कर पाते हैं जो कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत हों। तो कहीं कोई फंड की कमी या फिर कोई परेशानी इस बीच इसको लेकर? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी हम लोग मेंबर है वो एक सेवा भाव से हम जुड़े थे, और मुझे आपको मैं बताकर ये खुशी होगी कि जिस दिन हमें 15-20 दिन से जो हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास अच्छे अच्छे परिवारों के, अच्छे अच्छे लोगों के फोन्स भी आ रहे हैं कि आप हमसे किसी तरह की सहायता ले लीजिए। इवन हम जिन लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमसे इसका कोई एक्सपेक्टेशन या कोई चार्ज भी ले लीजिए, पर हम लोगों ने कहा है कि ये सेवा हम लोगों ने निःशुल्क रखी है और हम चाह रहे हैं जब तक सभी का साथ है और सभी का जो सहयोग बना रहेगा, हम चाहेंगे कि ये कार्य अच्छे रूप से आगे तक चलता रहे। हमारी अध्यक्ष जो हैं सुचित्रा जायसवाल जी, वो बहुत ही सोशल और एक एक्टिव महिला हैं जिनके संरक्षण में हम ये काम कर पा रहे हैं। उन्होंने समय समय पर इस तरह की सेवा भावनाएं, हालांकि हमारे जो अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन का जो मोटिव रहा है वो दरअसल अंग दान के ऊपर हम लोगों ने ये एक संकल्प जो है स्टार्ट किया था, इसी लेकर हम चले थे कि हम लोगों को बढ़ावा दे कि मृत्यु उपरांत अपने अंग दान का जो एक जरिया बनाया गया है उसमें हम लोगों को प्रेरित करें और हम उनको प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो भी लोगों के साथ साथ अभी जो समय पर परिस्थिति के अनुसार जो ये समस्याएं आती हैं, हम लोग उसमें भी अपनी भागीदारी जरूर व्यस्त करते हैं। और देखिए रितम्रा जी, आपके जो फाउंडेशन का नाम है वो ही अपने आप में सक्षम हो जाता है संकल्प सिद्धि, और इसी संकल्प के साथ आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस फाउंडेशन में अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या आप लोगों की सेवाएं सिर्फ हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में है या फिर पूरे प्रदेश भर में आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं? जी, अभी हम लोगों ने, हालांकि हमारी फाउंडेशन में 28 लोग तो जुड़ चुके हैं, जिसमें से हमारे 18 लोग जो थे वो हमारे पहले थे, और पिछले 12 दिनों के अंदर हमारे पास लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनको अपना एक ही नारा दिया है, जो इंसान अपना समय दे और सेवा की भावना से जुड़े उनका स्वागत है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो जिसमें जब तक सेवा की भावना नहीं है वो हमारे काम में आ सकता है, अगर सेवना की भावना नहीं है वो हमारे संकल्प से नहीं जुड़ सकता है। हमें पैसे से ज्यादा सेवा और समय की जरूरत है, और वही लोग हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं जो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, समाज के बीच भी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, उनकी परेशानियों को भी देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास तो कर रही है, प्रशासन भी जुटा हुआ है, लेकिन क्या लगता है आपको और क्या कुछ बेहतर किया जाना चाहिए, कहाँ पर कमियां नजर आती है? देखिए, हम लोग एक सभी साधारण परिवार से हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में बिजी हैं। सरकार के जो विचार हैं या सरकार के जो मापदंड हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं एक मानवता के नाते जो हम लोगों से, हमारी टीम से जो बनता है, हम चाहते हैं, पिछली बार भी जब सरकार के जो लोग, जो प्रवेशी लोग थे, उन लोगों को हम लोगों ने सूखा राशन पहुंचाया, क्योंकि कोविड के रहते हम लोग खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे, उस वक्त भी हमने फोन के जरिए से अपना नंबर अपना फ्लैश किया हुआ था कि जिस व्यक्ति को भी राशन के अलावा किसी चीज की भी जरूरत हो वो हम पे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो सुचित्रा जी हैं, उन्हीं के साथ हम गाइडेंस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से, और हमें बहुत ही आशीर्वाद मिल रहे हैं, लोगों के फीडबैक भी हमारे पास मिल रहे हैं,
थाने के लिए भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोगों की आशाओं में खरा उतरे और अपनी तरफ से पूर्ण समाज को हम अपनी सेवा दे सके। बिल्कुल। और आप इस फाउंडेशन से कैसे जुड़ी, आपके मन में कैसे आया कि हाँ मेरे को समाज सेवा करना है, लोगों के साथ जुड़ना है, उन तक खाना पहुंचाना है, जो जरूरत उनको चाहिए उसको पूरा करना है? देखिए मैम, कहते हैं कि जहाँ रहा जहाँ चाहा, जिस तरह के व्यक्तित्व हैं समाज या प्रवेश या परमात्मा आपको उसी नियति से मिला देता है। हमारी मुलाकात सुचित्रा जी से पिछले कई वर्षों से रही है और हम किसी न किसी सामाजिक कार्यों से हमेशा मिलते रहे हैं, पर जब उनके मन में एक सोच आई कि हमारी इस तरह से संकल्प सिद्धि फाउंडेशन बना रहे हैं जिसमें हम अंग दान के लिए, तो उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया कि आप हमारी संस्था से जुड़े और मैं चाहती हूँ ऐसे लोग, तो धीरे धीरे हमने ऐसे लोगों को प्रेरित किया और जो लोग स्वेच्छा से हमारे साथ चेन जुड़ते गए, आज हमारा कारवां 27 से 28 लोगों का है और बहुत ही अच्छे ढंग से। सबसे बड़ी बात है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई टीम हो, जब तक एक विचार एक मत नहीं होता है कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं होता है। पर हमारी अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन की मैं तहे दिल से तारीफ करूंगी कि हमारे यहाँ बड़े से लेकर छोटे से तमाम उम्र के, जिसमें से यंगस्टर भी हैं, जो अपना कीमती समय और इस सेवा में अर्जित कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं हम लोग घर से और एक फोन के माध्यम से उनको ऑपरेट कर रहे हैं, पर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो ऐसे आपको पता है डेंजर जोन में जाकर उन तक खाना मुहैया करा रहे हैं। तो अगर हमारे जो वॉलंटियर्स नहीं होते तो काम को आप लोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समाज को, लोगों को? मैं बिल्कुल मैसेज ये देना चाहूंगी, देखिए सब अपने अपने एरिए में, अगर हम लोग नहीं है पर अगर आप ये चाहते हैं कि परिवार में अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी ऐसा परिवार है जो संक्रमित है, तो एक इंसानियत के नाते अगर आप अगल बगल आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको उन्हें किसी चीज की भी जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता हम जैसे समाज सेवाओं की अपने आप पूरा देश एक से एक साथ समाज सेवा के साथ में जुड़ जाएगा। आप अपने एरिया में नजर लगाइए कि कोई व्यक्ति किसी जरूरत से रह तो नहीं रहा है, क्योंकि संक्रमण ऐसी चीज है जब इंसान अपने आप को अंदर दायरे में रख लेता है तो आपको पता है कि जोमेटो है या कोई भी होम डिलीवरी फूड वाले हैं वो उनके घर तक नहीं आते हैं, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट के थ्रू एक स्टिकर लगा दिया जाता है तो लोग उनके घर तक आने के लिए भी कतराते हैं। बिल्कुल। तो मैं सभी समाज से और सभी छोटी सी टीम के साथ, महज 28 मेंबर्स के साथ, जिस तेजी के साथ, जिस मजबूती के साथ आप लोगों की सेवा कर रही है अपने आप में सराहनीय है और वाकई में इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार आपको द रियल हीरो से मिलवाते रहेंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।